हमारे शरीर को जीवन जितना आवश्यक है, नींद उतनी ही आवश्यक है, निद्रा, झोप बहुत आवश्यक है, झोप। और अगर झोप अच्छी नहीं है तो कम से कम शरीर में 50 रोग होते हैं अगर झोप अच्छी नहीं है। जिनको भी अच्छी झोप नहीं है उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है डोके दुखना, आंख दुखना, मांडी दुखना, कंधे दुखना। और जास्ती दिन झोप अच्छी नहीं आएगी तो और भी खतरनाक रोग होते हैं। और उनमें से एक तो रोग इतना खतरनाक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपस्मार होना, एपिलेप्सी होना, ये सब रोग झोप अच्छी नहीं होने के हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन इतना अच्छा, झोप उतनी अच्छी, झोप भी अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे अच्छी झोप कितनी होनी चाहिए? उसका नियम ये है कि आप अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार, खेत करी है, तो कम से कम आपकी झोप 7 से 8 तास होनी चाहिए। कम से कम 7 तास, जास्ती से जास्ती 8 तक, इतनी झोप आपकी होनी चाहिए। अगर शेत में काम करते हैं, काश्तकार हैं, शरीर का काम करते हैं, कोई लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उनको भी 7 से 8 तास की झोप होनी ही चाहिए। शरीर का जितना ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा झोप होनी चाहिए। और अगर खाली मानसिक काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पेन चलाते हैं, कागज पर लिखते हैं, जैसे बैंक में आप काम करते हैं, बैंक में शरीर का तो कुछ काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे, मेज पर रजिस्टर, उसमें लिखना, तो ऐसे लोग जो शरीर का काम नहीं करते, जैसे टीचर है, क्लास में खड़े खड़े पढ़ाना है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेज कुर्सी पर भी बैठना पड़ता और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की कम से कम झोप 6 तास होनी चाहिए, जास्ती से जास्ती 7 तास होनी चाहिए। माने किसी भी स्थिति में 6 तास की झोप तो होनी ही चाहिए और जास्ती से जास्ती 8 तास की होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों से मतलब जिनकी उम्र 60-70 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में, उनके लिए। और जिनकी उम्र 14-15 साल के आसपास है, 20 के नजदीक है, वो 1-2 तास जास्ती सो सकते हैं, 9 तास की झोप ले सकते हैं। और उससे भी छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, इनको 10 तास की झोप चल सकती है। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 3 बरस से कम, उनको 12 से 14 तास की झोप चाहिए। और जो 1 बरस से कम है उनको 18 तास की झोप चाहिए। ये है। तो बच्चे की उम्र जितनी कम है झोप उतनी ज्यादा, उम्र जितनी ज्यादा झोप उतनी कम। तो हम देख ले हमारी उम्र क्या है, उसके हिसाब से जोड़ लें। अब अच्छी झोप आए आपको तो इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ पथ्य बताया। सबसे पहला पथ्य ये है कि रात्रि को झोप लेने का समय पक्का करना, 9 बजे। तो 9 बजे आपको सोना है तो सुबह 6 बजे उठिए, बराबर झोप पूरी होगी। और अगर कुछ ज्यादा देर हो रही है तो 10 बजे सोइए, सुबह 7 बजे तो हर हालत में उठ जाइए। और 9 बजे के पहले सो सकते हैं 8 बजे तो सुबह 5 बजे उठ जाइए, 7 बजे सो सकते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए। समय नक्की करिए, ये पहला सूत्र है। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है कि आपको शाम को अच्छी झोप लेने की है तो झोप लेने से कम 2 से 3 तास पहले आपका भोजन होना चाहिए। अगर 9 बजे झोप लेना है तो 6 बजे आपको भोजन खाना चाहिए, 10 बजे झोप लेनी है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 बजे भोजन किया और सीधे झोपने के लिए लेट गए तो जरूर आपको हृदय घात होगा, कोई नहीं रोक सकता, डायबिटीज भी होगा, कोई नहीं बचा सकता,
अर्थराइटिस भी होगा। खाना खाते ही जो सोने के लिए जाते हैं उनको बहुत तकलीफ आती है। इसलिए आयुर्वेद का नियम यह है कि जब भी आपको सोना है 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप तय करिए, उसके 3 तास पहले भोजन होना यह है। मैं तो आपको एक सरल नियम बताता हूं कि शाम का भोजन आप उस समय कर लीजिए जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय जो है ना, शाम का भोजन कर लीजिए, फिर उसके 2-3 तास के बाद आप सो सकते हैं। तो ये नियम है। और दूसरा है कि आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आपका जो सिर है और जो पांव है इसको किस दिशा में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में हमेशा आपका सिर रहना चाहिए और पश्चिम दिशा में आपके पांव रहने चाहिए। ये है नियम, पूर्व में सिर पश्चिम में पांव। और कभी कभी अगर इसमें कुछ बदल करना है तो एक ही बदल हो सकता है कि दूसरा आपको बदल करना है तो दक्षिण में सिर और उत्तर में पांव। कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। आपको मालूम है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका सिर हमेशा उत्तर की दिशा में किया जाता है, पांव दक्षिण में, क्योंकि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। मरने के बाद ही व्यक्ति का सिर उत्तर में किया जाता है, जीवित रहने पे नहीं। तो इसलिए इसका याद रखना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में सिर पश्चिम में पांव, ये सबसे अच्छा है। और अगर कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण में सिर उत्तर में पांव कर सकते हैं। आज ही घर में बदल कर लीजिए। आपके घर का जो बिस्तर है, अगर आप चारपाई पे सोते हैं, पलंग पे सोते हैं, तो उसका सिर पूर्व दिशा में कर लीजिए। जमीन पे सोते हैं तो सबसे अच्छा, कभी भी आसानी से बदल किया जा सकता। तो अच्छा झोंक लेना है तो पूर्व में सिर करिए, ठीक है। अब उसके आगे का एक तर्क है कि जब आप झोंक लेने के लिए लेट गए तुरंत झोंक आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि ऐसे ऐसे बदल कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। बहुत लोग हैं आधा आधा तास ऐसे ही घूमते रहते हैं बिस्तर पे, झोंक ही नहीं आती। तो इसका माने कुछ रोग है आपको। तो तुरंत आपको झोंक आए इसके लिए एक बहुत सरल पथ्य है आयुर्वेद का कि आप जैसे ही लेट गए तो ये दाहिना नाक है ना, इसको बंद कर दीजिए और बाएं नाक से सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, ऐसे करते हैं। बस 2-3 मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया बहुत अच्छी झोंक, 2-3 मिनट इसका असर हो जाए, फिर सो जाइए, फिर कोई हरकत नहीं। अब आप पूछेंगे कि भाई सोने का कैसे है, सीधा सोना, पेट के बल सोना, पीठ के बल सोना, ऐसे करवट में, ऐसे करवट में। तो रात्रि को जब सोना हो तो पीठ नीचे पेट ऊपर ऐसे ही सोना अच्छा होता है, अच्छी झोंक उसी में आती है। दोपहर को अगर आप सोना चाहते हैं भोजन के बाद, तो हमेशा ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, क्या कहते हैं डावा मराठी में, तो डावा बाजू आपको लेटना चाहिए दोपहर को भोजन नंतर। तो दोपहर की झोंक लेनी है तो ऐसे करके लीजिए, रात्रि को दोनों हाथ फैला के सिर आसमान की तरफ, चेहरा आसमान की तरफ, पीठ के नीचे ऐसे सोना है। तो झोंक अच्छी आएगी तो झोंक से होने वाले रोग कभी नहीं आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों? सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।